नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, DSSB में जो आपके काम के लायक कुछ वैकेंसी निकले हुए हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, तकरीबन 7,500 के अराउंड वैकेंसी निकले हुए हैं, लेकिन बहुत सारे इसमें जो पोस्ट हैं वो आपके टीचर वाले हैं, यानी कि जो BEd कर रखे हैं या डिप्लोमा कर रखे हैं, एजुकेशनल जो प्रोफेशन होता है उसमें डिप्लोमा कर रखे हैं उनके लिए है। लेकिन उससे हट के भी कुछ ऐसे वैकेंसी हैं जो सभी के लिए है, तो हम फोकस करेंगे उन वैकेंसी पे जो आपके लिए है। ठीक है, टीचर वाला जो वैकेंसी है उस पे हम फोकस नहीं करेंगे। जो वैकेंसी पटवारी का है, LDC का है, और भी जो क्लर्क है, हेड क्लर्क का है, उस पे अपन फोकस करेंगे कि क्या आपका ये जो वैकेंसी है वो आपको भरनी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि तकरीबन 300 वैकेंसी है और 300 वैकेंसी काफ़ी होते हैं। अगर आप दिल्ली के आसपास से हैं तो आप देने जा सकते हैं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम तो दिल्ली में ही होगा। ठीक है, CBT बेस्ड होगा। ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं इतना लंबा चौड़ा 22 पेज का है, वो हम ज़्यादा मतलब कि सभी चीज़ को नहीं पढ़ के सुनाएंगे, क्योंकि इतना लंबा करेंगे तो आपको टाइम जाया होगा और आपका जो काम की चीज़ें हैं वो हो सकता है कि छूट जाए। तो इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया कि कहाँ कहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है। बाकी अगर आप टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। मैंने टेलीग्राम, फेसबुक पेज और अपना जो भी चीज़ें है वहाँ पे मैंने शेयर कर दिया है, यानी कि मेल पे भी अगर आप मांगते हैं तो मेल पे भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, और जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे भी मैंने शेयर कर दिया है। तो एक एक चीज़ को हम देखते हैं। LDC आपके हेड कांस्टेबल, हेड जो क्लर्क है या पटवारी है, उसके जो क्या पैटर्न हो सकते हैं, कितने वैकेंसी हैं, तमाम चीज़ों को हम देखते हैं, आप देख लेते हैं यहाँ पर आके। ठीक है, ठीक है। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि जो टेस्ट बुक लाया है आपके लिए ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है, लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ERMoneys यूज करेंगे तो आपको 269 में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन आपको यहीं से करने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे सफिशियंट आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे DSSB के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आपके लिए उपयुक्त है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसको हेडलाइन मतलब कि आपको दिखा दूं कि बस ये चीज़ है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है 25 से 24 तक भरा जाएगा, यानी कि 25 आपके मई से 25 मई से आपके 24 जून तक भरा जाएगा, और आपका जो ये एग्ज़ामिनेशन फीस है वो 100 रुपया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जनरल OBC के लिए है। अगर हम बात करें तो अगर टीचर के लिए आपका जो एज लिमिट है वो 32 से नीचे होनी चाहिए, 32 ईयर से, और LDC के लिए अप्लाई करते हैं तो 27 वर्ष से नीचे होनी चाहिए, ओबियस 18 से ऊपर ही होंगे। पटवारी के लिए 27 से नीचे होनी चाहिए और अदर पोस्ट बिलो 30 होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 7236 वैकेंसी है, और अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपके टीचर वाला जो है उसको अपन छोड़ देते हैं, जो आपके लिए उपयुक्त है यहाँ पर देखिएगा LDC की वैकेंसी है, इसमें आपके 278 वैकेंसी है। आपका जो चाहिए क्वालिफिकेशन वो 10th पास प्लस आपका हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट या इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, दोनों नहीं खोजा है, एक ही खोजा है, तो ये काफ़ी वैकेंसी है। 278 काफ़ी हो जाते हैं, तो काफ़ी इन द सेंस कि स्टेट लेवल का है, तो उस नज़रिए से तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक वैकेंसी आपके लिए यहाँ पे हेड क्लर्क की, यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री मांगा गया है विथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, यानी कि अगर कंप्यूटर चलाना जानना चाहिए, बस इतना इतना तो सबको पता है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए तीसरा वैकेंसी यहाँ पे पटवारी की, जो कि 10 वैकेंसी है, यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो ये तीन वैकेंसी है। ठीक है, ये तीन वैकेंसी आपके लिए। अच्छा, इसमें CVT 1 होगा, उसके बाद इसमें स्किल टेस्ट होगा, इसी पर आपका बन जाएगा, यानी कि मेरिट आपके टाइपिंग पे नहीं बनेगा, आपका जो मेरिट है वो आपके जो CVT 1 है उस पे बनेगा। और इसमें आपको हेड क्लर्क में आपको 2 एग्ज़ाम देनी है, यानी कि CVT 2 पे इसका आपका जो बनेगा मेरिट है वो CVT 2 पे बनेगा, CVT 1 क्वालिफाइंग है और पटवारी में CVT 1 है, तो यानी कि आपको ये सब चीज़ें पता चल गया। देखिएगा, इसका कोड वगैरह है 4821, पटवारी का 4821, LDC का है 4421, और आपके और एक मैंने दिखाया था
एक और वैकेंसी दिखाया था ना, असिस्टेंट नहीं, यहाँ पे एलडीसी हेड क्लर्क, हाँ 46 इसका है और आपके ये एलडीसी का 44 है, 44 46 48, इसके बारे में भी देख लेते हैं। 44 46 48 में देखिएगा क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है, यहाँ पे एक एक हम वैकेंसी को देख लेते हैं। एलडीसी का, एलडीसी का जो वैकेंसी है देखिएगा, ये आपके कितने कौन से कैटेगरी में कितने वैकेंसी है और ये जो आपका क्वालिफिकेशन है वो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद आपका पे ग्रेड इसमें देखिएगा 1900 सी ग्रुप का ये है, तो यानी कि इसमें तकरीबन 30 से 32 हज़ार आपके बन जाएंगे जो भी है सैलरी, ठीक है। अगला वैकेंसी जो है आपका हेड क्लर्क का है, तो देखिएगा यहाँ पे आपका पे ग्रेड है 4600, मैंने कहा ही कि इसमें CBT 2 पे आपका जो है वो जो आपका CBT 2 है उसी के आधार पे इसमें आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, और 4600 पे ग्रेड है तो तकरीबन 50 से 52 हज़ार के अराउंड आपका इसमें मिल जाएगा सैलरी, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे पटवारी की, तो पटवारी की आपके 2000 है, तो यानी कि 35 के अराउंड यहाँ पे आपको सैलरी बन जाएगी, ठीक है। और अगर हम बात करें देखिएगा यहाँ पे 44 नंबर जो कोड है उसमें आपका यानी कि जो आपका टीयर है वो 1 ही होगा। और अगर हम बात करें देखिए यहाँ पे देखिएगा MCQ टेस्ट होगा जो कि 200 नंबर का होगा, आपके क्या क्या पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस इसमें पूछे जाएंगे, उसके बाद अर्थमेटिक पूछे जाएंगे, हिंदी और इसमें आपके इंग्लिश अलग से पूछे जाएंगे, यानी कि हिंदी में भी आपको 40 मार्क्स ईच रहेगा। देखिए 5 सेक्शन इसमें है, पहले GK है, देखिएगा पहले GK है, उसके बाद यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस है, उसके बाद अर्थमेटिक है, उसके बाद हिंदी है, उसके बाद इंग्लिश है, तो इसमें 5 सब्जेक्ट है और पांचों में 40 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव है 0.25, ठीक है, 1/4 आप कह सकते हैं। उसके बाद 46 नंबर का है जिसमें कि आपके 2 टीयर होंगे, हेड जो आपका कह सकते हैं कि जो क्लर्क है उसमें 2 टीयर होंगे। अब इसका भी सिलेबस सेम ही है, ठीक है, पार्ट 1 में MCQ ये जनरल इंटेलिजेंस, फिर रीजनिंग वगैरह सब, मतलब कि लगभग वही सिलेबस है। आपका किस तरह का सिलेबस होगा, जो आपका CHSL है या MTS है उसी के अराउंड इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है, तो सिलेबस भी आप देख लीजिएगा। और अगर हम इसके एक और एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिएगा पोस्ट नंबर 48 की बात कर लेते हैं, ठीक है, पोस्ट नंबर 48 यहाँ पे भी आपके Tier 1 ही हो गए और इसका भी सिलेबस यही सेम है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप वगैरह पूछा जाएगा, इसमें 2 सेक्शन होगा लेकिन एक ही आपके क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन में पूछे जाएंगे, ठीक है, और सभी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 200 नंबर के इसमें भी होंगे। तो ये टोटल कहने का मतलब 3 पोस्ट आपके हैं जिसे कि आप फिल कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं इसके नोटिस में और क्या लिखा हुआ है, लास्ट में हम चले जाएं तो नोटिस में कुछ और पॉइंट दे रखा है जिसको कि आपको जानना ज़रूरी है, यहाँ पे देख लेते हैं। एक मिनट, ये आपका पुराना ही इसमें अपलोड कर दिया है, और अगर हम एक मिनट यहाँ पर देखिएगा नोट में बहुत सारी चीज़ें दे रखा है, अब ये सब आप देख लीजिएगा किस में Tier 1 होगा किस में Tier 2 होगा। हमने आपको जो चीज़ें है वो मैंने बता दिया, यहाँ पे देखिएगा नेगेटिव मार्किंग की बात की जा रही है यहाँ पे जो मैंने बता दिया, तो मतलब कि इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो एक वैकेंसी जो आप भर सकते हैं, जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 3 जो वैकेंसी मैंने बताए उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इतना इतना चाहिए, कितना कितना चाहिए आपको पता है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें और पॉइंट ऐड कर दूँ कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं आप तीनों चारों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक साथ तीनों चारों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रिफ्रेंस जब आपका सिलेक्शन होगा तो प्रिफ्रेंस देना पड़ेगा कि आप किस में काम करना चाहते हैं, ठीक है, प्रिफरेंस के आधार पे आपको वहाँ पे जॉब मिलेगी। और अगर बात करें कि आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, ठीक है, 40% इसमें क्वालिफाइंग है, तो ऑब्वियस है कि अगर आप जब सिलेक्शन लेते हैं तो 40% से ज़्यादा मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो ये है टोटल आपके DSSB की कहानी कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर जिनके पास BEd की डिग्री है, डिप्लोमा है एजुकेशन में, तो वो और भी जो पोस्ट है तकरीबन 7236 जो मैंने बताया सभी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।